दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि पैसा इन्वेस्ट करने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं, बस एजेंट आपकी घर पे या ऑफिस में आता है, आपको कुछ प्लान्स के बारे में एडवाइस करता है कि सर ये प्लान अवेलेबल है, ये प्लान बेस्ट के लिए है, ये प्लान रिटायरमेंट के लिए, ये प्लान चिल्ड्रन के लिए, आप बस उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आंख बंद करके साइन करते हैं और उनको पेमेंट करते हैं और कुछ भी पैसा कितना लग रहा है कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। बस एजेंट बोल दिया आपको कि हाँ आपके 10 साल तक अपने ये इतना पैसा जमा करना है, 15वें साल या 11वें साल आपको इतना पैसा रिटर्न हो जाएगा और हम लोग मान लेते हैं। क्या आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं? तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करें तो क्या कुछ सवाल आपको अपने एजेंट से या फिर एडवाइजर से पूछना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी ब्रोकर या एजेंट आपके पास आता है कोई भी प्लान को लेकर, तो बिल्कुल आप प्लान को सुनिए, समझिए और कुछ सवाल आप उनसे जरूर पूछिए। जैसे कि सिंपल सा सवाल जो आप जरूर पूछते ही होंगे कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं जो भी प्लान में, उसका इन्वेस्टमेंट कब है, कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप ये पूछिए क्या उसमें कुछ कंसेशन यानी कुछ तौलमोल आप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो पैसे हैं करीब 15-20-25% जो है उनका ब्रोकर का उसमें कमीशन होता है, तो आप चाहे तो उसमें निगोशिएट कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये हो गया उसमें कि आप ये पूछ लीजिए कि ये जो टेन्योर है, टोटल टेन्योर है, क्या इसके बीच में अगर हम पैसा निकालना चाहें तो क्या इट इज़ पॉसिबल, तो पैसा अगर निकालते हैं तो आपको कितना आपको देना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन ये पूछिए क्या आपको इसके अलावा कुछ हिडन चार्ज है, मतलब कि बोल दिया कि हाँ 5,000 रुपये आपको पर ईयर या फिर पर मंथ आपको देना है, कभी कभी कुछ कुछ हिडन चार्ज भी लग जाता है, तो आप ये भी पूछ लीजिए क्या किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज है। अगला सवाल आप ये पूछिए कि मेरे जो मैं फर्स्ट पेमेंट आपको दे रहा हूँ उसमें जो ब्रोकर का कितना कमीशन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई प्लान ऐसा भी होता है कि ब्रोकर को 50% या उससे भी ज़्यादा कमीशन मिलता है। इस कारण से ब्रोकर या फिर एडवाइजर आपको गलत कन्वेंस करके, मैं सभी ब्रोकर या एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो आपको गलत कन्वेंस करके कुछ भी आपको उल्टा पुल्टा पढ़ा देगा कि हाँ ये प्लान ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, फ्यूचर्स के लिए अच्छा है, चिल्ड्रन के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा होता नहीं है। बस आप सिग्नेचर कर लिए, एक बार सिग्नेचर किए तो फंस गए, बीच में पैसा निकालेंगे भी तो आपको काफ़ी सारा लॉस होगा और कुछ कुछ सिचुएशन में पैसा नहीं भी मिल पाता है, तो इस बात का बहुत सा ध्यान रखें। अगला सवाल ये पूछे कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो फी है उसका इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लें, आपके पास कोई ब्राउचर्स है, कुछ उसका ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, कहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन लें। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने के बाद भी उनसे कम से कम 2-3-4 दिन, 1 वीक का समय ले, ताकि वो जो भी आपका एजेंट आपको जो चीज़ बताया क्या वो रियल में उनके वेबसाइट्स पे, उनके ब्लॉग्स पे, उनके ब्राउचर्स पे वो लिखा हुआ है या नहीं, वो आप खुद से कन्फर्म कर लें। जब सारा चीज़ कन्फर्म हो जाए तब जाके आप पैसा इन्वेस्ट करें, तो हो सकता है आपका पैसा फ्यूचर के लिए सेफ हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को कमाने में बहुत मेहनत लगता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स में चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।